अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो माय ऑसम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम रैम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक वेजिटेरियन कबाब की रेसिपी, जो है हरा भरा कबाब। इस कबाब का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बट इस रेसिपी में मैंने एक दिया है छोटा सा ट्विस्ट, और साथ में इस कबाब में नवावी फ्लेवर डालने के लिए यूज़ किया है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से इस कबाब में एक नवावी या अवधी स्टाइल का फ्लेवर ऐड हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। हरी सब्जी में हमें चाहिए एक कप मटर, एक कप चॉप्ड शिमला मिर्च, 2 से 3 ग्रीन चिली चॉप, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। चाहिए इस कबाब का मेन इंग्रेडिएंट पालक। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, जिसको अच्छे से धो के इसको ड्राई कर लिया है। उबला हुआ आलू जिसको मैश कर लिया है, और चाहिए 150 ग्राम काजू, 200 ग्राम पनीर और कोई भी चीज़, यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। कढ़ाई को पहले अच्छे से गरम कर ले, फिर उसमें ऐड करें 1 चम्मच भर के घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे नवाबी फ्लेवर डालने के लिए मैंने घी डाला है। अब इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून जीरा का। जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो उसमें डालें सारे ग्रीन वेजिटेबल। इसमें डालें कैप्सिकम, मटर, ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता हाथ से तोड़ के डालें ताकि इसका फ्लेवर जो है वो और भी इन्हांस होके आए। मिला लें थोड़ा सा। अब इसमें ऐड करें काजू, थोड़ा सा काजू बचा के रखिएगा गार्निशिंग के लिए। ऐड करें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से मिला लें और इसको 2 से 3 मिनट तक बीच बीच में ढक के पकाएं ताकि सब्जियां कच्ची ना रहे। अब इसमें ऐड करें पुदीना। पुदीना को भी मैंने हाथ से तोड़ के डाला है। चाकू से काटने से इसका फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए हमेशा पुदीना या धनिया कोशिश कीजिएगा हाथ से तोड़ के डालें। अब इसमें ऐड करें पालक। सारा पालक ऐड कर दें और उसको ढक के पकाएं। तब तक ढक के पकाएं जब तक पालक पूरी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। पालक जब पूरी तरह सॉफ्ट हो जाए तो ढक्कन खोल के पकाएं, नहीं तो इसका जो ग्रीन कलर है वो ख़राब हो सकता है। यहाँ पे पालक पूरी तरह सॉफ्ट हो गया है और इसमें से जो पानी निकला है, बस खोल के बस ये पानी को ही हमें सुखाना है। तब तक पकाना है जब तक ना पानी पूरी तरह ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो हमारा जो कबाब का मिक्सचर है वो ठीक नहीं बनेगा। अब इस स्टेज में हम ऐड करेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट नटमेग या जायफल। जायफल को खिसके डालें ताकि जो नवावी फ्लेवर है वो कबाब में लॉक हो जाए। थोड़ा सा ही जायफल डालना है हमें। यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट दूसरे कबाब से हमारे कबाब का फ्लेवर को थोड़ा सा डिफरेंट करता है, और इसी के फ्लेवर के वजह से हमारे कबाब में मिलता है एक नवावी टेस्ट। 2 से 3 मिनट पकने के बाद इसका पानी पूरा ड्राई हो जाएगा और हमारा जो कबाब का मिक्सचर है वो बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर ले। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सचर ग्राइंडर में डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना ले। हमारा कबाब का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। एक एम्प्टी बोल ले, उसमें डाले ये ग्रीन पेस्ट। अब इसमें ऐड करें बाइंडिंग के लिए उबला हुआ मैश्ड पोटैटो या आलू। अब इसमें ऐड करें पनीर। पनीर को ऐसे हाथ से तोड़ लें अच्छे से और फिर उसको ऐड करें। ये ऑप्शनल है, ये आप ना भी डालें तो चलेगा, बट पनीर कबाब के टेस्ट को इन्हांस करता है। अब इसमें ऐड करें 2 चम्मच रोस्टेड बेसन या सत्तू। अब इसमें सारा ड्राई मसाला ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड करें कोरिएंडर या धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने कुकसुक ब्रांड का ड्राई मसाला सारा यूज़ किया है। नेक्स्ट ऐड करें जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करें इसमें। ऐड करें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1 चम्मच भर के चाट मसाला या आमचूर पाउडर। इसको अच्छे से हाथ से मिला ले। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा घी ऐड करें ताकि कबाब अंदर से सॉफ्ट हो। यहाँ पे मैंने सारा मसाला कुकसुक ब्रांड का यूज़ किया है, जो 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट साइंटिफिकली पैक किया गया है ताकि सारा फ्लेवर और अरोमा उस पैकेट में लॉक्ड हो और हमारे फूड को मिलेगा एक ज़बरदस्त टेस्ट।
तो प्लीज गाइस इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कीजिए। घी ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से मिला ले। अब ये कबाब मिश्रण को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। अब चलते हैं हमारे कबाब के ट्विस्ट में। ये है हम अंदर में डालेंगे इस कबाब के एक फिलिंग, और इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा काजू चॉप किया हुआ, थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा चीज़ और चाहिए फ्रेश पुदीना। और इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिला ले तोड़ के। अब इसमें ऐड करें थोड़ा सा चाट मसाला ताकि फिलिंग के अंदर भी एक चटपटा सा टेस्ट आए। सब कुछ एक साथ अच्छे से हाथ से मिला ले और इस फिलिंग की वजह से कबाब के अंदर एक अच्छा सा नटी, क्रीमी और चीज़ी और फ्रेश वाला फ्लेवर मिलेगा। चलते हैं अब कबाब को शेप देने के प्रोसेस में। हमारा ग्रीन मिक्सचर कबाब का रेडी है। चाहिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम जो कबाब को ऊपर से क्रिस्पी बनाएगा, और अंदर की फिलिंग भी रेडी है, और यहाँ पे थोड़ा सा काजू चाहिए डेकोरेशन के लिए। कबाब को शेप देने के लिए क्लीन हाथ में थोड़ा सा घी या ऑयल लगाए ताकि कबाब को शेप अच्छे से दे पाए एंड कबाब शेप बनाते हुए हाथ में चिपके ना। ले थोड़ा सा कबाब का ग्रीन मिक्सचर। अब कबाब को थोड़ा सा राउंड शेप दे एंड बीच से थोड़ा सा दबा के इसके अंदर जो फिलिंग हम लोगों ने बनाया है उसको डाले। अब ऊपर से इस फिलिंग को ढकते हुए इसको फिर से राउंड शेप दे अच्छी तरह एंड एक अच्छा सा कटलेट या कबाब का शेप दे दे। एंड ऊपर से हम लोग इसमें ऐड करेंगे आधा काजू का पीस। अब इस कबाब को कोट करें ब्रेड क्रम से ताकि इसका ऊपर का क्रिस्पी लेयर रेडी हो जाए। अब इसी तरीके से सारा कबाब बना के तैयार कर ले। सारा कबाब बनके बिल्कुल तैयार है। इस कबाब को हम फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं 1 महीने तक ताकि जब भी मन करे निकाले और गर्मा गर्म तेल में डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई करके आप इस कबाब को एंजॉय करें। फ्रोज़न करने के लिए ऐसे ही फ्रीज़र में 2 घंटे तक हम इसको रख दें ताकि वो थोड़ा सा ऊपर से हार्ड हो जाए। 2 घंटे बाद कबाब को फ्रीज़र से निकाले, देखिए ऊपर से ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं। अब चलते हैं कबाब को फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म करें, उसमें डालें खूब सारा ऑयल। ऑयल डालने के बाद उसमें ऐड करें हमारा हरा भरा कबाब। अब कबाब को मीडियम लो फ्लेम में 5 मिनट तक दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक पका ले। अंदर से सारा सब्जी पका हुआ है, बस ऊपर का लेयर ही हमें क्रिस्पी करना है। दोनों तरफ कबाब का अच्छी तरह क्रिस्पी जब हो जाए तब इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाए। ये देखिए कबाब बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है। बाहर से जितना ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये कबाब। और अंदर के जो फिलिंग है उसमें एक चीज़ी, नटी, क्रीमी और मिंट की वजह से एक फ्रेश फ्लेवर आपको मिलेगा। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर ये माउथ वाटरिंग कबाब की रेसिपी आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो अपनी ब्यूटीफुल हाथों से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। दिस इज सैमी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।